स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो पहला पेपर उनका है सिस्टमेटिक बॉटनी या प्लांट टैक्सोनॉमी, तो प्लांट टैक्सोनॉमी में जो है उन्हें हर्बेरियम बनानी है अपने प्रैक्टिकल में। तो जो जो है हर्बेरियम फाइल है, तो हर्बेरियम फाइल बिल्कुल हर्बेरियम फाइल इस टाइप की हर्बेरियम फाइल सबको खरीदनी होगी। और इसके हर्बेरियम फाइल के अंदर जो लगी है हर्बेरियम की शीट्स, ठीक है, जो जो A4 शीट्स है हर्बेरियम शीट्स, तो इस पर लिखा भी हर्बेरियम शीट, यहाँ नंबर पढ़ना है हर्बेरियम शीट का, यहाँ पर हमें चिपकाना है अपना प्लांट स्पेसिमेन, जो भी प्लांट स्पेसिमेन है उसको प्लांट स्पेसिमेन को यहाँ पर चिपकाना है विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप या फेविकॉल, फेविकॉल भी हेल्प कर ले सकते हैं या सेलो टेप की सहायता से हमें चिपकाना है। ध्यान रखना है कि जो हमारा जो मटेरियल है वो तो सीधा हो, यानी उसकी पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी ना हो, उसके फ्लावर भी हमारे फेस की तरफ हो, ताकि जो फ्लावर है वो उल्टा ना हो, पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी ना हो और पत्तियों पर फंगस भी ना हो। तो जो तरीका है हर्बेरियम बनाने का वो उसी तरीके को हमें यहाँ पर अपनाना है। तो यहाँ पर जो चिट लगी है नीचे जो टैग है, इस टैग में जो सबसे पहले ऊपर लिखा है नेम ऑफ आर्टिकल, यानी जो प्लांट जो तरह लगाया उस प्लांट का बॉटनिकल नेम लिखना है, फिर उसकी फैमिली लिखनी है नंबर 2 में, फिर कलेक्टेड बाई अपना नाम लिखना है, जो तुम्हारा नाम जो स्टूडेंट का नाम है उस स्टूडेंट अपना स्टूडेंट का नाम लिखना है, फिर यहाँ डेट ऑफ कलेक्शन लिखा हुआ है, यानी हम जैसे आज हम हर्बेरियम बनाना शुरू कर रहे हैं तो हम इस प्लांट को हमने आज कलेक्ट किया, तो हम डालेंगे 8/12/2021 को हमने इसे कलेक्ट किया या 9/12/2021 को हमने इकट्ठा करा। फिर यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट का नाम और यहाँ लिखा है कॉलेज का नाम, तो जो भी आपका कॉलेज का नाम है वहाँ कॉलेज नाम डालो और ये डिटेल पूरी भरो सब लोग। यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहली सीट पर एक नंबर डालो, दूसरी सीट पर 2, इसी प्रकार से हमें हर्बेरियम सीट बनानी है। तो BSc सेकेंडर में हमारे सिलेबस में 27 फैमिली है, तो हम उम्मीद करते हैं हर फैमिली का कम से कम एक प्लांट हम जरूर लगाएं, यानी कम से कम 27 सीट्स जो है इस हर्बेरियम फाइल में लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पर छेद करते हैं, छेद के बाद में टैग कर लेते हैं, तो टैग की हेल्प से इसको हम जोड़ देते हैं हर्बेरियम की शीट को। तो ये हमारी हर्बेरियम तैयार हो जाती है BSc सेकेंडर में एग्जाम के लिए, ठीक है, सोलोनम डायग्राम या जिसको बोलते हैं कामन भाषा में मकुइया, फैमिली सोलोनेसी एक मेंबर है, जो इस प्लांट को हम हर्बेरियम के प्लांट है उसे अगर कलेक्ट करें तो हमें इतना प्लांट चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लावरिंग ट्विग या फ्लावर युक्त टहनी, क्योंकि चूँकि हम प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में प्लांट टैक्सोनॉमी है, तो प्लांट टैक्सोनॉमी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फ्लावर, अगर तुम कोई भी स्पेसिमेन लगाते हो अपने हर्बेरियम फाइल में उसमें अगर फूल नहीं है तो वो बेकार है, तो चूँकि हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें उसका फ्लावर लेना जरूरी है। तो जैसे सोलोनम नाइग्रम या मकुइया इस प्लांट को हम कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करते समय क्या हो, इसको कलेक्ट करने के बाद समय इस प्लांट को पुरानी किसी फाइल में या पुरानी कॉपी में किसी रख के दबाए लें, और इसके जो लीफ है वो सामने की तरफ हो, इस तरीके से पत्ती जो है सामने की तरफ हो, तो इसका क्या करें, इसका मुंह मोड़ लें अपने साइड में, ऐसे जिसका फूल जो है फूल भी हमारे साइड में होना चाहिए। तो जो पहला प्लांट सोलोनम नाइग्रम इसको हमें कलेक्ट करना है हर्बेरियम के हिसाब से, जो दूसरा प्लांट है हर्बेरियम का पॉइंट अभी जो है एकारेंथस आस्पेरा, ठीक है, इसको कॉमन भाषा हम लोग बोलते हैं चिरचिटा, तो चिरचिटा का प्लांट है, तो इसको भी हम अपने हर्बेरियम में कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी जो इतनी ट्विग है, तो चूँकि फ्लावर इसका इन्फ्लोरेसेंस लंबा है तो हमें इन्फ्लोरेसेंस इतना लगाना होगा, तो हम इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने का तरीका जो है इसे बजाय तोड़ने का हम इसको कैंची से काट दें इतना पार्ट, तो इतना पार्ट हम लगा सकते हैं हर्बेरियम में, अगर इतना नहीं लगा सकते तो इतना पार्ट भी लगा सकते हैं, तो इस पार्ट को भी हम अपने फाइल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं हर्बेरियम फाइल के लिए। तो चिरचिटा या एकारेंथस आस्पेरा फैमिली अमेरेंथेसी का मेंबर है, इसको भी हम अपने फाइल में कलेक्ट प्रिजर्व कर सकते हैं हर्बेरियम के लिए। तो दूसरा प्लांट जो है, जो इसी प्रकार से एक और प्लांट यहीं आसपास है उसको हम दिखा रहे हैं, प्लांट है गुलाब का प्लांट है, सबका बहुत प्रिय प्लांट है गुलाब, यानी इसका बॉटनिकल नेम है रोजा इंडिका, ठीक है, फैमिली रोजेसी का मेंबर है, इसको भी हम अपने हर्बेरियम फाइल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो फ्लावर चाहिए और थोड़ा सा एक पत्ती चाहिए और साथ में स्टेम का पार्ट, इतना पार्ट अगर तुम्हारे पास है तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं हर्बेरियम के लिए, फैमिली रोजेसी का गुलाब। एक और प्लांट साथ में देखो यहाँ लगा है थोड़ी दूर, गेंदा यानी टाइजेटस इरेक्टस फैमिली कंपोजिटी का मेंबर है, इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने हर्बेरियम फाइल के लिए, यानी गुलाब भी इकट्ठे कर सकते हैं और साथ में गेंदा भी प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फाइल के लिए। प्लांट और है कैलोट्रापिस प्रोसेरा, ठीक है, इसकी दो स्पीसीज है कैलोट्रापिस प्रोसेरा, एक दूसरी है और दूसरी है स्पीसीज कैलोट्रापिस जिगेंटिया। तो कैलोट्रापिस प्रोसेरा जिसे हम लोग कामर भाषा में कौआ या आग कहते हैं, फैमिली एस्क्लिपिडेसी का मेंबर है, इसके अंदर भी जो यहाँ पर जो फ्लावर है फ्लावर अभी पूरी तरह से खिले नहीं, यहाँ पर बर्ड बनने वाली है, बर्ड बन गई, अभी थोड़े कुछ दिनों बाद फ्लावर बन जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, फ्लावर चाहिए, लीफ चाहिए और थोड़ा सा स्टेम, तो अगर इसकी फ्लावरिंग ट्विग है उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने हर्बेरियम फाइल के लिए, ठीक है, तो इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एक मेंबर है
इसका बॉटनिकल नेम है थेविसिया पेरोबियाना, इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं पीली कनेर। तो पीली कनेर होती है, सफ़ेद कनेर होती है, लाल कनेर होती है। तो फिलहाल जो पीली कनेर है तो उसका बॉटनिकल नेम थेविसिया पेरोबियाना, फैमिली एपोसाइनेसी के मेंबर है, और इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने हर्बेरियम फाइल के लिए। तो इसकी इसकी ट्विग यानी इतना पार्ट जो है उसको कैंची की सहायता से, ब्लेड की सहायता से कट करो और उसको प्रिजर्व कर लो अपने हर्बेरियम के लिए, ठीक है। तो एक प्लांट और है, प्लांट है इसका बॉटनिकल नेम है रोवेल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, रोवेल्फिया सर्पेंटाइना इसका बॉटनिकल नेम है। और यह इसको कॉमन भाषा हम लोग कहते हैं सर्पगंधा। तो सर्पगंधा इसलिए कहा था, इसको माना जाता है इसके इसकी जड़ों से एक एल्कलाइड निकलता है सर्पेंटाइन। तो उसकी उस एल्कलाइड के जहाँ जितने जितने एरिया में प्रभाव रहता है उतने एरिया में सांप नहीं आते। तो जहाँ जिस एरिया में सांप ज़्यादा आते हों तो वह ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने घर में जो सर्पगंधा गमले में या जमीन लगाए थे तो उससे आसपास सांप इसी गंधे के कारण नहीं आता। इसके अलावा इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कई सारी दवाई एलोपैथ में जैसे हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, रूमेटिज्म, उसकी दवाई इसे इस दवाई इसके प्लांट्स के एल्कोलाइड से तैयार की जाती है। इसके पूरे प्लांट में एल्कोलाइड ही एल्कोलाइड है, जड़ में एल्कोलाइड है, स्टेम में एल्कोलाइड, फ्लावर में और इस और लीव्स में। तो इसके लिए जड़ जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जड़ में एल्कोलाइड से ज़्यादा। उसका बॉटनिकल नेम है जिसको हम सामान कॉमन नेम कहते हैं इसको सदाबहार। तो सदाबहार फैमिली एपोसाइनेसी मेंबर है कैथरेंथस रोजियस, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं अपने हर्बेरियम के लिए, ठीक है। वेशरम इसका कॉमन नेम, कॉमनली हम लोग बोलते हैं वेशरम, इसका बॉटनिकल नेम है आइपोमोया फिस्टुलोसा। आइपोमोया फिस्टुलोसा इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली इसकी जो है कॉनवोल्वुलेसी है। फ्लावर देखो इसका कितना कितना शानदार फ्लावर है बेशरम का। तो इस फ्लावर से ही इसे पहचान करते हैं, वायलेट कलर का फ्लावर है आइपोमोया फिस्टुलोसा का। तो इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने हर्बेरियम के लिए। तो चूँकि बहुत मोटी लकड़ी है तो इस लकड़ी को ना लेखें, अगर हम चाहें तो इस पर ट्विग हम जवाला ले रहे हैं और फ्लावर ले रहे हैं जवाला, ठीक है। तो जो फ्लावर ट्विग है आइपोमोया फिस्टुलोसा को, इसको भी हम अपने हर्बेरियम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुकुरबिटेसी एक मेंबर है जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कुंदरू भी कहते हैं, ये कुंदरू का प्लांट है। तो इस कुकुरबिटेसी प्लांट के जो इस प्लांट को है हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने हर्बेरियम पे। तो इसको इसका फल हमें नहीं लेना है, केवल क्या लेना है इसका, अगर इसकी फ्लावर मिल जाए फ्लावर ले लो और साथ में इसकी ट्विग यानी पत्ती और तना, फ्रूट नहीं लगाना है क्योंकि फ्रूट बड़ा है। तो कुंदरू आसान से मिल जाने वाला फ्लावर, आसान से मिलने वाला प्लांट फैमिली कुकुरबिटेसी एक मेंबर, इसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। कॉमन प्लांट है और इसको हम लोग अपने जो हिंदू लोग हैं उसको वो अपना एक धार्मिक प्लांट मानते हैं। तुलसी इसका बॉटनिकल नेम है ओसमम सैंक्टम, ठीक है, फैमिली लेबेटी या लेमेसी का मेंबर है। पुराना नाम उसका इस फैमिली का लेबेटी है, नया नाम जो है लेमेसी है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी जो मंजरी है जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है यानी बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे एक साथ लगे हुए हैं, तो हमें इसके मंजरी के साथ इसकी ट्विग यानी एक टहनी को तोड़ के अपनी फाइल में लगाना है, ठीक है। फैमिली कंपोजिट फैमिली लेबेटी का मेंबर और इसका बॉटनिकल नेम ओसमम सैंक्टम लगाना चाहिए। इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है, रिसिनस कम्युनिस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, या इसे हम लोग कॉमन भाषा अंडी बोलते हैं अरंडी। तो जो फैमिली यूफोरबेसिक मेंबर है रिसिनस कम्युनिस, इसको भी हम लगा सकते हैं अपने हर्बेरियम फाइल में। तो उसका तरीका यह है कि इसको इसकी फ्लावरिंग ट्विग यानी ऊपर जो फ्लावर वाले पार्ट है उसको तोड़ लें और तोड़ने के बाद अच्छी तरीके से प्रिजर्व करें सुखा के और हर्बेरियम फाइल में इसे पेस्ट कर दें। रिसिनस कम्युनिस अच्छा पेड़ है, इसको हम अपने हर्बेरियम में प्रिजर्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है एक थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है और इसकी ग्रोथ भी जो है स्लो है। जो बहुत पुराना पेड़ है, कम से 7-8 साल पुराना पेड़ है, तो 7-8 साल में इतनी सी ग्रोथ हुई, ठीक है। देखा होगा कहीं लगा हुआ रुद्राक्ष, तो इलियोकार्पस इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसको हम हर्बेरियम के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते, हमें पता होना चाहिए कि इलियोकार्पस भी एक प्लांट है यानी रुद्राक्ष का भी पेड़ होता है। तो इस पर आगे जाके जो फ्रूट्स निकलेंगे फल होंगे उन्हीं को बोलते हैं रुद्राक्ष, एक मुखी, पाँच मुखी, तीन मुखी, ठीक है।